हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है राज। गाइज, यूट्यूब पर अगर आप एक क्रिएटर हो और आपने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजा इतनी मेहनत करके और आपका चैनल रिजेक्ट हो गया रियूज कंटेंट की वजह से, तो कैसे आप इस अपील वीडियो की मदद से एक बार में अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के चैनल रिजेक्ट हो रहे हैं और बार बार रियूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार आखिरकार हमने क्या गलती की और कैसे हम अपने चैनल को मोनेटाइज कराएं। और अगर किसी को आप बोलते हो तो यहां पर वो आपसे 3,000-4,000 रुपए का डिमांड करता है। लेकिन आप मेरी इस अपील वीडियो को देखकर अपने चैनल को एक बार में मोनेटाइज कर सकते हो। क्योंकि यहां पर क्या था कि पहले अपील वीडियो बनाने का तरीका कुछ अलग था, जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने बनाया भी, लेकिन कुछ लोगों का यहां पर चैनल मोनेटाइज हुआ, लेकिन जिसमें से 90% लोगों के चैनल रिजेक्ट हुए हैं। लेकिन अब YouTube ने यहाँ पर कुछ रूल चेंज किया अपील वीडियो बनाने के टाइम पर। जैसे कि अगर आपकी अपील वीडियो जो है वो लगभग 4.5-5 मिनट की होनी चाहिए, और यहाँ पर कुछ कुछ चेंजेस किया है YouTube ने, जो कि मैं इस अपील वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप वैसा करते हो तो आपकी अपील वीडियो एक्सेप्ट कर लेगा YouTube और आपके चैनल को 100% मोनेटाइज कर देगा। जैसे कि सपोज अगर आप लोग अभी YouTube को ओपन करते हो और लिखते हो वहाँ पर अपील वीडियो कैसे बनाए, तो टॉप नंबर 1 पर मेरी एक वीडियो आ रही है, उस पर 30,000 से ज्यादा व्यूज है। उस वीडियो से भी काफी सारे चैनल मोनेटाइज हुए और मेरे को अननोन व्यूअर ने, जो मेरे चैनल पर कभी मेरे इंस्टाग्राम पर भी नहीं आए, वो यहां पर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देखा, अपील वीडियो बनाया और उनका चैनल मोनेटाइज हो गया। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट भी भेजा मोनेटाइजेशन वाला। तो यहां पर अब जो थोड़ा सा रूल चेंज हो चुका है, अब आप कैसे अपील वीडियो से चैनल को मोनेटाइज कराओगे वो बताने वाला हूं। नंबर 1 पॉइंट, अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो, मोनेटाइजेशन से रिजेक्ट हो जाता है और रियूज कंटेंट YouTube बता रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने चैनल पर चेक करना है कि आपके चैनल पर जो वीडियोस है वो आपकी खुद की है, जिसमें आपका खुद का काम है शुरू से लेकर अंत तक, वॉइस ओवर या वॉइस ओवर फेस कैम है। अगर आप 100% कॉन्फिडेंस हो तभी आपको अपील वीडियो बनाना है। सिंगल वीडियो भी अगर आपने शॉर्ट में या लॉन्ग में किसी दूसरे की उठाकर अपने चैनल पर डाला है तो आपको अपील वीडियो नहीं बनाना है। अगर आप फिर भी बनाते हो तो 101% आपका चैनल रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि ये बात मैं बोल रहा हूं, लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पे। तो आपको ये चेक करना है। अगर आप 100% बिल्कुल श्योर हो कि मेरे चैनल पर मेरी वीडियोस में शुरू से लेकर एंड तक मेरा खुद का वॉइस ओवर है या वॉइस ओवर फेस कैम है, तो आपको अपील वीडियो बनाना है। अब अपील वीडियो बनाने से पहले एक बात यहां पर मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं कि यहां पर अपने चैनल पर जब रिव्यूज आ जाता है तो यहां पर जल्दी जल्दी में अपने चैनल से बहुत सारी वीडियोस को डिलीट मार देते हैं, थंबनेल चेंज कर देते हैं, टाइटल चेंज कर देते हैं, टैग चेंज कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं, और उसके बाद अपील वीडियो बनाकर यूट्यूब के पास भेजते हैं। तो यहां पर 101% आपकी अपील वीडियो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब ये कहता है कि अगर आप लोग अपील वीडियो बना रहे हो तो आपको अपने चैनल पर कोई भी चेंजेस नहीं करने, ना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल, ना वीडियो को कोई भी डिलीट मारना है। अगर आप कुछ भी, जरा सा भी कुछ भी चेंज करते हो तो अपील वीडियो आपकी 101% रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि अपील वीडियो कैसे बनाए, किस फॉर्मेट में बनाए। तो सबसे पहले चीज, अभी जो यूट्यूब का रूल आया है, आपकी अपील वीडियो 4.5-5 मिनट की होनी चाहिए और आपको काफी अच्छे तरीके से समझाना है अपील वीडियो के अंदर में। और हाँ, एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूं, बहुत सारे लोग अपील वीडियो बनाते हैं तो यहां पर इंग्लिश में सबटाइटल क्यों नहीं देते हो यार। मैंने कई सारे लोगों का अपील वीडियो देखा है, सिर्फ हिंदी में बोल देंगे या तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, किसी भी लैंग्वेज में वो वीडियो बनाते हैं, लेकिन इंग्लिश में सबटाइटल ऐड ही नहीं करते। अरे भाई, अगर आप लोग इंग्लिश में सबटाइटल ऐड नहीं करोगे तो आपकी अपील वीडियो यूट्यूब कैसे समझेगा, क्योंकि आपने अपने लैंग्वेज में बोला है और यूट्यूब जो समझता है वो समझता है इंग्लिश की लैंग्वेज। तो आपको इंग्लिश में सबटाइटल ऐड करना जरूरी है। अगर आपसे नहीं हो पाता, अगर आप कम पढ़े लिखे हो, तो किसी दोस्त से या फिर कहीं भी साइबर कैफे जाकर वहां पे 20-50 रुपए देकर सबटाइटल ऐड करवा लिया करो इंग्लिश में, खुद लिख कर दे देगा बंदा, और उसके बाद अपील वीडियो बनाकर भेजो, जिससे YouTube को भी समझ में आए और आपका चैनल आसानी से मोनेटाइज हो जाए। तो पॉइंट नंबर 1, आपकी जो अपील वीडियो है वो 4.5-5 मिनट तक की होनी चाहिए। तो अपील वीडियो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रो देना है। इंट्रो में आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है, उसके बाद आपको अपने चैनल का नाम बताना, जो कि चैनल का यहां पर स्क्रीन भी दिखाना है YouTube को कि मेरे चैनल का ये नाम है। उसके बाद आपको चैनल के अबाउट में आना है, किस डेट से आपने अपना चैनल स्टार्ट किया था वो डेट दिखाना है। उसके बाद आपको अपने चैनल का URL भी दिखाना है स्क्रीन पर, और सामने यहां पर भी आना चाहिए URL।
ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद आपको अपने मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में जाना है गाइज। हाँ गाइज, जहां पर मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन होता है गूगल क्रोम में, जब ओपन करोगे तो वहां पर रिव्यूज कॉन्टेंट दिखा रहा होगा। यूट्यूब को वहां ओपन करके दिखाना है कि ये मेरे चैनल पर रिव्यूज कॉन्टेंट आया है, मेरा खुद का कॉन्टेंट है। रिव्यूज कॉन्टेंट का मतलब होता है कि किसी दूसरे की वीडियो अगर हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है तो उसके वजह से यूट्यूब हमें रिव्यूज कॉन्टेंट देता है। लेकिन अगर हमारे चैनल पर हमने किसी की दूसरे की रिव्यूज कॉन्टेंट वाली वीडियो अपलोड नहीं किया है तो यूट्यूब हमें रिव्यूज कॉन्टेंट क्यों दे रहा है, ये यूट्यूब से आपको बोलना है, ठीक है। उसके बाद वापस से क्या करना है, वापस से आपको अपने चैनल पर आना है। चैनल पर आने के बाद आपको कुछ वीडियो का जो वॉइस है वो यूट्यूब को सुनाना है। जैसे कि एक दो वीडियो ओपन कर लेना, 4-5 सेकंड यहाँ पर बड़ा बड़ा कर आपको अपनी वीडियो का वॉइस सुनाना है और बोलना भी है साथ में कि मेरे चैनल पर मेरी वीडियो है खुद की, मेरे वीडियो के अंदर मेरा खुद का वॉइस ओवर है। और जब आप अपनी वीडियो का वॉइस आप सुनाओगे यूट्यूब को तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं बोलना, उनको सिर्फ अपनी वीडियो का वॉइस सुनाना है, 2 या 3 वीडियो ओपन करके दिखा देना। उसके बाद यहाँ पर कैसे आप वीडियो को एडिट करते हो, उसके लिए अगर आप काइन मास्टर या पावर डायरेक्टर से एडिट करते हो तो वहां पर जाना है और किस तरीके से आप अपनी वीडियो को एडिट करते हो वो यहाँ पर आपको दिखाना है और बोलते भी रहना है कि मैं इस तरीके से अपनी वीडियो को एडिट करता हूँ। आप थंबनेल कैसे बनाते हो, तो थंबनेल बनाने के लिए आप पिक्सल लैब का यूज करते हो, किसी भी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो तो उस तरीके से आपको जाना है और यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करके थंबनेल क्रिएट करके दिखाना कि मैं इस तरीके से थंबनेल को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपको फिर से अपने चैनल का यूआरएल दिखाना है कि प्लीज एक बार मेरे चैनल को रीचेक करें, मैंने अपने चैनल पर किसी दूसरे का रिव्यूज कंटेंट वाला वीडियो अपलोड नहीं किया, मेरे चैनल पर मेरी खुद की वीडियो है लेकिन यूट्यूब बाय मिस्टेक मुझे मेरे चैनल पर रिव्यूज कंटेंट दे रहा है जिसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज चेक करके मेरे चैनल को जल्द से जल्द मोनेटाइज करें। ये आपकी वीडियो लगभग 4-4.5 मिनट तक की बनने वाली है और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है यूट्यूब को। अगर आप ये सब बेटर तरीके से करते हो तो ये आपकी 4-4.5 मिनट की वीडियो बनेगी और उसके बाद अपील वीडियो बनाकर अच्छे तरीके से सबटाइटल इंग्लिश में ऐड करके अपनी लैंग्वेज में आप कुछ भी बोलो, मतलब कि जिस भी लैंग्वेज है जैसे हिंदी मराठी गुजराती, आप अपनी लैंग्वेज में वीडियो बना रहे हो अपील वीडियो बनाओ लेकिन इंग्लिश में सबटाइटल जरूर ऐड करना जिससे यूट्यूब आपकी अपील वीडियो समझ जाए और आपके चैनल को मोनेटाइज कर दे। तो इस तरीके से आपको अपील वीडियो बनाना जो कि मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर उसके बाद अपील वीडियो बनाकर यूट्यूब के पास भेज देना है। आपको 2-4 दिन 5 दिन भी लग सकता है या 7 दिन भी लग सकता है, वो आपके अपील वीडियो को चेक करेंगे और उसके बाद आपके चैनल को मोनेटाइज कर देंगे अगर सब कुछ सही रहा तो। और उसके बाद भी रिजेक्ट होता है तो फिर आपके चैनल पर 101% कोई ना कोई रिव्यूज कंटेंट वाली वीडियो है और उसके बाद आपको वो वीडियो को डिलीट मारना पड़ेगा, तब आप फिर रिअप्लाई करोगे। अगर मोनेटाइजेशन हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर से नेक्स्ट टाइम आपको अपील वीडियो बनाकर भेजना है। अपील वीडियो को जितने बार ऑप्शन मिल रहा है उतने बार आपको अपने चैनल को देखना है और उसके बाद अपील वीडियो बनाकर भेजना, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको मेरी ऐसी जनरल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मैं तब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।